जी, प्रश्नों की संख्या बढ़ी हुई है, ज्यादा बढ़ी हुई क्यों है ये कहना है आपको? अभी ये पहला सत्र जब भी विधानसभा का 5 साल के बाद आयोजित होता है और ऐसे परिवर्तन सरकार में जब होते हैं तो उत्सुकता दोनों पक्ष की ज़्यादा रहती है। इसमें आश्चर्य करेंगे कि विपक्ष के और पक्ष के दोनों के प्रश्नों में करीब करीब बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है, उत्सुकता बढ़ी हुई है सभी की। प्रबोधन सतत प्रक्रिया है और पहली बार विधायक जीतकर जो व्यक्ति आता है विधानसभा से, एक सामान्य कार्यकर्ता से एक नए दायित्व पे विधायक की भूमिका पे जब आता है तो उसको बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए कि विधानसभा में उसकी भूमिका क्या है, प्रश्न कैसे लगा सकता है, ध्यान आकर्षण कैसे कर सकता है, स्थगन का महत्व क्या है, बजट के सत्र में लगातार डिबेट पे वो हिस्सा लेते हैं तो उन विभागों पे अलग अलग मांगों पे वो चर्चा कैसे करें और विधानसभा में अपने प्रस्तुति के करते हुए अपने क्षेत्र के विधानसभा की अच्छाई और बुराइयों को भी प्रस्तुत कर सकें और ये प्रश्नकाल और बाकी जो हमारा समय रहता है नए विधायकों को बहुत कुछ सीखने को देता है और बजट सत्र इस चूँकि पहले सत्र में ही है इसलिए उनको खुलकर अपने विधानसभा के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सब कुछ बोलने का खुला मंच मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनको प्रशिक्षित एक बार में नहीं होगा, इसकी प्रक्रिया को सतत किया जाएगा और विषय विशेष पर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर उनको चर्चा में, बातचीत में विशेषज्ञों को बुलाकर बात करेंगे जो देश में अन्य उपलब्ध सदस्य हैं, जो माननीय सीनियर लोग हैं, उनकी उपस्थिति में हम आने वाले समय में प्रशिक्षण को और दिशा देंगे। सर, ये देखने में आ रहा है कि देखिए, मैं आज क्योंकि पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रबोधन कार्यक्रम सिर्फ विधायकों के लिए ही नहीं होता, मीडिया और मीडिया अपनी भूमिका को और महत्वपूर्ण तरीके से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम अपनी भूमिका को और बेहतर करने के लिए मेरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पत्रकार बंधु यदि सहमत होंगे तो हम एक बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ या बॉम्बे हो या अन्य किसी दूसरे स्थान में भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आज क्योंकि पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रबोधन कार्यक्रम सिर्फ विधायकों के लिए ही नहीं होता, मीडिया और मीडिया अपनी भूमिका को और महत्वपूर्ण तरीके से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हम अपनी भूमिका को और बेहतर करने के लिए मेरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पत्रकार बंधु यदि सहमत होंगे तो हम एक बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ या बॉम्बे हो या अन्य किसी दूसरे स्थान में भी कर सकते हैं। राजभाषा का दर्जा दिया था छत्तीसगढ़ी को, अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ी को 7वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा पेंडिंग है केंद्र में, क्या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप कोई पहल करेंगे 5 सालों में? विधानसभा सशक्त माध्यम है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा ला उपयोग करके छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वीं कार्यसूची में लोकसभा में चर्चा हो, डिबेट हो और एक मंजूरी मिले ओखर लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले भी प्रस्ताव पारित होके जा चुके हैं, ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पारित नहीं हुए हैं। एक बार फिर नवा विधानसभा बने हैं, नया उमंग है, नया जोश खरोश है, तो छत्तीसगढ़ भाषा के संवर्धन के लिए और बेहतरी के लिए 8वीं अनुसूची में आए ओखर लिए एक बार फिर हमार विधायक मन से मिल के प्रयास करबो। थैंक यू अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, लोकसभा ने इस मामले में कार्रवाई भी की है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सदस्य इससे बच सके, पैसे लेकर सवाल पूछेगा जो मामला छत्तीसगढ़ में बच सके, इस पर आप कुछ प्रबोधन कार्यक्रम में शायद कोई चर्चा नहीं हुई तो आप कुछ चाहेंगे कि इस पर कुछ होना चाहिए? नहीं, वो पेपर में इतना आ गया है कि लोग सचेत हो गए हैं।
डॉक्टर साहब, मेरी भूमिका अब दूसरी है। विधानसभा में जो भी विषय मेरे सामने आएंगे, पक्ष से विपक्ष से जिस विषय को लेकर आएगी और उसकी प्राथमिकता तय करना, तो विषय मैं तय नहीं करता, विषय जो करता है विधानमंडल के हमारे नेता, दल के नेता और बाकी सदस्य मिलकर करते हैं। मेरा कार्य होगा उसका बेहतर तरह से संचालन करना और उसको किसी नियति तक पहुँचाना। देखने को मिलता है, केवल यही नहीं, पूरे देश की स्थिति ये हुई है कि जो विधायी कार्य है, जो विधायकों के या अन्य जो चर्चा में दूसरे अगर विधायी सदनों की बात करें तो उनका राजनीतिक कार्य विधायी कार्य पर हावी हो जाता है। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विधायी कार्य है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चले और राजनीतिक कार्य जो है और राजनीतिक लक्ष्य जो है जो हावी होता है वो कम हो, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से आपकी योजनाएं? देखिए, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विधानसभा की यात्रा के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। अब मैच्योर हो गया है छत्तीसगढ़, 25 साल का विधानसभा हो गया है, अब उस दौर से हम निकल चुके हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सार्थक चर्चा हो, बहस हो और जो विधायकी का काम है विधेयक बनाना, कानून बनाना, देश के आम आदमी की सुविधा के लिए विधानसभा का बेहतर उपयोग कैसे करना, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा एक सार्थक विधानसभा के रूप में देश में इसकी पहचान है। ऐसा छत्तीसगढ़ का ही विधानसभा है कि हम यदि वेल में जाते हैं तो अपने आप को पूरे दिन भर के लिए निष्कासित हो जाते हैं और ये आत्म अनुशासन की भावना छत्तीसगढ़ के विधानसभा जैसी बात अन्य विधानसभा में नहीं है, तो हम नई परंपरा भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विधायिका के उस स्वरूप को निखारने में लगाएंगे। नए विधायकों को प्रशिक्षण इसलिए अभी भी दिया गया है और आगे भी देंगे। सर, इधर से एक सवाल है, और सर जब आप मुख्यमंत्री थे करके, तो मोर आपसे एक सवाल है कि बहुत सारा सोशल मीडिया है जो वेब पोर्टल चलाते, यूट्यूब पर चलाते, ओ मल्ल का पास मिल पाई। दूसरा सवाल ये है, महन जी भी एक पहली अध्यक्ष रही तो उधरी में सवाल कर रहे हो कि विधानसभा जब सबके पास डिजिटल सवाल मंगाते हैं विधायक बन के, तो पत्रकार बन के जो आवेदन है वो लकाबर कागज में मंगाते, वो का डिजिटलाइजेशन हो पाई आपके कार्यकाल तक रहा तक? डिजिटलीकरण में के मतलब ये है कि विधानसभा के सबों प्रकार के जानकारी हमार डिजिटल रूप में पत्रकार बंधु मन तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, और ये पब्लिक डोमेन में रहना है। यानी एकर मतलब है कि सिर्फ पत्रकार के लिए नो है, ये पूरा आम जनता के, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए वो सारा इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी कि हमन है विधानसभा के अंदर बैठ के काय काय काम करथन, काय काय विषय में चर्चा होते, काय काय निर्णय लिए गए है और विधानसभा के कौन कौन से कार्यवाही होते, तो ये डिजिटली रूप में प्रस्तुत किए जाए। पत्रकार बन के कोई ऐसे विषय नहीं है, पत्रकार बन और कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वो भी उपलब्ध रहते हैं हमेशा, तो मुला नहीं लगे कि कोई प्रकार की विसंगति हाँ, रहना है। एक पास वाला एक सवाल रहेगी रही सर, डॉक्टर साहब सोशल मीडिया के खासतौर पे जो वेब पोर्टल है तकर बन के पास बन पाई का? अब ये घर आगे चर्चा कर वो, आज पहले दिन सब चर्चा हो जाएगी, फिर दोबारा बैठे का मौका कहाँ मिली। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, जब आप विपक्ष में थे तब आप लोगों ने आप लोग बोलते थे कि समय कम मिलता है, बैठकें कम होती है, अभी जो बैठकें हैं पर्याप्त है विधानसभा के अंदर? जी नहीं, विधानसभा में समय पर्याप्त है, उसका उपयोग करना चाहिए पर्याप्त समय का। और विधानसभा छत्तीसगढ़ में समय की गुंजाइश इसलिए है कि हम ऐसी विधानसभा जिसमें रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बहस होती है, तो यहाँ पर्याप्त समय मिलता है और सदस्य खुशी से शामिल होते हैं, रात को 3-3 बजे तक यहाँ चर्चा होती है, तो समय की कोई कमी नहीं होगी। और अब तो और चिंता मत करिए, समय की कमी कभी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मोर है, डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब सर जी कैस क्यों, क्योंकि थोड़ी सी भूमिका बदलने के बाद वो उस रूप में आप तुरंत मेरे को बतलाइए। सर मैंने आप आपने आपने देखा मैंने ट्वीट करना कितना कम कर दिया है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब पीछे से, सर बजट कब पेश होगा? 9 फरवरी को 12:30 पर वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 9 फरवरी 12:30। पीछे से एक सवाल है मेरा, आपने डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया है, आपने कहा है कि लोगों तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई पहुंचा सके इसका प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया के कौन कौन से माध्यम किस तरह की मतलब प्लानिंग है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सोशल मीडिया का हम बेहतर उपयोग करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के में जो हमारी जितनी भी जानकारियां हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई जानकारियां वो सारे के सारे हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा और मोबाइल ऐप के माध्यम से हम डिजिटलीकरण पे जब जोर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें सभी माननीय राज्यपाल का अभिभाषण बजट पत्र बजट भाषण बजट आर्थिक सर्वेक्षण अनुपूरक अनुमान सभी विषयों पर चर्चा होगी।